सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में कॉमेंट करें और शेयर करें। सभी भाइयों को राम राम। जितने भी अपने किसान भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें कि जो अपने किसान बीमा योजना होती है उसका शायद टाइम है कल तक का, ठीक है, कल शायद लास्ट डेट है और बाकी आप पता कर लें फ़ोन करके, क्योंकि जो नरमे की अपने फसल है वो बारिश ज़्यादा आने के कारण अब जैसे ही धूप निकलेगी आपको बता दें कि जो नरमा है वो जिस तरह ख़राब हो जाएगा यानी कि साठ मारेगा, ठीक है, क्योंकि जितना पानी आपको लग रहा है कि इतना पानी जिस तरह तीन चार दिन हो गए बारिश आते हुए, ठीक है, तब ये नहीं है कि इतना ये पानी जो हमारी ज़मीन है ये सोख पाएगी, ठीक है, क्योंकि तीन चार दिन लगातार हो गए जिस तरह की तीस चालीस एंगल जो बारिश अब हो चुकी है और बारिश अब जैसे ही अब तीन चार दिन और बता रहे हैं कि तीन चार दिन बारिश और होगी, ठीक है, तो ये है कि अगर लास्ट डेट है जो निकल जाती है उसके बाद में क्या है कि अपने जो बीमा है वो नहीं होगा, तो आप फ़ोन करके पता कर लें कहीं अपने जो भी है तो पतिवाद के अंदर जो जानी पटो शेड है वहाँ पे किया जाता है बीमा और जो रेट है वो आपको बता दें शायद 1400 पता नहीं 1700 रुपये कुछ ऐसे है। आपको लेके जाना है ज़मीन की जो अपने कागजात होते हैं जो फर्द होती है, फर्द, बैंक की कॉपी, आधार कार्ड, ठीक है, तो यह सब चीज़ें आपको लेके जाना है वहाँ पे और शायद 50 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं वहाँ पे एक एकड़ के लेते हैं पता नहीं कुछ ऐसे लेते हैं, वो आप वहाँ पे जाके पता कर लें और जो अपना बीमा है वो करवा लें, ठीक है, क्योंकि जो नरमे की फसल आपको बता दें कि अगर जैसे ही धूप निकलेगी धूप निकलती क्या है कि नरमा जो साठ है वो मर जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है पक्की आपको बता दें नरमा जो साठ पक्का मरेगा, क्योंकि जो पानी है ये जैसे ही गर्म होगा गर्म होते ही आपको बता दें कि साठ मर जाएगा नरमा। जो हर किसान भाई है वो यही सोचता है कि अपने फसल अच्छी हो ये हो, ठीक है, हर कोई सोचता है कोई भी हो जो फसल लगाते हैं वो यही सोचते हैं कि अच्छी फसल हो, पर क्या है कि कई बार बारिश ज़्यादा होने के कारण इस तरह की जो दिक्कत है वो आ जाती है, ठीक है, अब ये नहीं है कि आपका मैं बता रहा हूँ कि नरमा साठ मरेगा ज़रूरी है, ठीक है, क्या पता आपकी जो ज़मीन है बिल्कुल नरम हो जिस तरह यानी कि वेल्ड टाइप में मट्टी हो तो वो सोख जाती है, जो नॉर्मल है वो लगता नहीं है कि अगर पानी सोख पाएगी, ठीक है, क्योंकि दो दिन से ज़्यादा हो गए बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है और अभी भी जिस तरह की मौसम बना हुआ है कि बारिश आगे भी बता रहा है जो आप चेक करेंगे उसमें भी बताया जा रहा है कि 4 अगस्त तक बारिश फुल है, तो इतना जो बारिश का पानी है वो ना तो आप कहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि खेत में से क्या है कि आप अपने जो खाल वगैरह होते हैं उसमें निकाल लेते हैं, पर जिस तरह खाल भी फुल है कहाँ निकालोगे पानी आप एक खेत से दूसरे खेत में, देखो अगर कोई पड़ोसी है वो तो निकालने नहीं देंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि हर जगह खेत है वो फुल भरे हुए हैं, तो आपको मैं बता दूं जैसे कि आपके खेत के अंदर जिस तरह अलवा निकाली हुई है, ठीक है, तो और आपके जो खेत के अंदर जो नरमे के पास आप देखेंगे ना इस तरह मिट्टी चढ़ी हुई है काफ़ी, तो आपका नरमा अगर बच जाए तो बच जाए, ठीक है, इसमें ये है कि चांस रहते कुछ कि इसकी जो जड़ों के अंदर वो पानी भरता नहीं है बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी लगी हुई है जैसे ये देखो बीच में ये जो डोली सी बनी होती है ना नरमे के पास में, तो इससे क्या होता है कि जो इसकी जड़ें होती है उसमें पानी नहीं जाता और जड़ों के अंदर जिस तरह अगर पानी रह गया ना तो नरमा साठ मार जाएगा और बाकी रिजल्ट वही है ना 4-5 दिनों में आपके सामने आ जाएगा, पर आप ज़रूर पता कर लें कि जो बीमा योजना है वो अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें क्योंकि उसकी लास्ट डेट शायद कल है, ठीक है, तो सभी किसान भाइयों के पास जो वीडियो वो शेयर करें, अगर जो भाई करवाना चाहता है तो करवा ले, क्या पता इसमें वो है ना कि बीमा अगर मिल जाता है तो कुछ लागत है वो तो पूरी हो जाए आपकी, ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, सभी भाइयों को राम राम, धन्यवाद।